ये मनीषा का, ये मेरा। मैं तीनों खा लूं? खा लूं मैं समोसे सारे? मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके ले गई हूँ और इसमें आया है नवरात्रे का सामान। देखो नवरात्रे का सामान आया है इसमें। ज्यादातर क्या है? चिप्स और चिप्स। और ये हाथ में लेके खड़ी है, देख, चिप्स। नमस्कार दोस्तों, पूनम जालीवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आज रहे और नए ब्लॉग के साथ। आज हम देखो इसकी मस्ती देखो, देखो खोलने में नहीं दे रहा मेरे को। पुनो गलत बात है बेटा। नो, देखो इसकी मस्ती देखो, इसकी मस्ती देखो, कोने में लगा दिया मेरे को तो ना। और आज अभी हमारी शादी की सालगिरह आने वाली, मतलब तो उसकी शॉपिंग के लिए जाएंगे आज मैं और मनीषा। अभी सुबह सुबह एक्सरसाइज योगा किया है, चाय वगैरह पी है और अभी बाकी के घर के काम भी कर लेते हैं और उसके बाद जाएंगे हम मार्केट में। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को हमने क्या क्या शॉपिंग की है। बाद में मार्केट में जाएंगे तो वहाँ भी आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ से क्या खरीदा मैंने। अभी मार्केट में मिलते हैं आप लोगों से, थोड़ी देर में काम कर लेती हूँ घर के बाकी के। अभी साफ़ सफाई है, नाश्ता वगैरह बनाऊँगी और फिर तैयार होकर मिलते हैं आप लोगों से। और ये देखो माओ के बाद इसका भी मन नहीं लगता बिल्कुल भी। माओ के जाने के बाद ये एकदम सुस्त हो गया। अभी मस्ती कर रहा था वैसे तो मेरे साथ ही, क्योंकि अब इसका खाने का टाइम होने वाला है इसलिए खाना मांग रहा था। बुनो क्या चाहिए? बुनो ये ले, चलो। कौन आ गया? और प्रदीप आ गया, प्रदीप आ गया, प्रदीप ऊपर देख रहे, ऊपर प्रदीप है, हैं गंदे बच्चे। जा रहे हम बाजार में और ये तैयार हो चुकी है मनीषा, तैयारी रहती है हमेशा। और हम दोनों जा रहे हैं बाजार में, मार्केट में क्या क्या खरीदेंगे कुछ नहीं पता अभी तक तो, या नहीं हमें क्या क्या खरीदेंगे और जो भी खरीदेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे घर में आके। चलिए अगर मार्केट में मिलता मौका अगर वीडियो बनाने का तो। ये हमारा शरीफ सा बच्चा जो कि पता चल गया कैमरा ऑन हो गया, ये इतनी मस्ती से फोटो है, गंदा बच्चा। काट ले खा ले, खा ले ले, खा ले खा ले, नहीं लेके जाओ चाहे कितनी भी सता ले, कितना भी कर ले, नहीं लेके जाओ, चल ना। अरे भाई बच्चे को बता दे भाई, चल ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं देखते हैं। सबूटी पे अगर अगर सबूटी पे जा शोभा ले तो हम चलेंगे पक्का, देर को सबूटी। ये नारियल ले लिया और ये ले लिया, मूली वगैरह है, जौ ले लिया, टाटा टी क्रीम। इसके बिना कोई चाय पसंद नहीं आती, थोड़े दिन पहले लेके आई थी कंट्री से, समझ पसंद ही नहीं आई, टेस्ट अच्छा नहीं लगा, कोई भी चाय पसंद नहीं आती, बस टाटा टी क्रीम। अब हम आ चुके हैं मार्केट से और इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर तो हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। और अभी सामान लेके आए हैं तो अभी तो कोई मतलब दिखाने का कोई मूड है नहीं, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर रेस्ट करके और फिर दिखाएंगे। और बुरनो की तो मस्ती दिख, बुरनो गंदा नहीं है तू इतना, आते आते। अभी सामान तो बहुत सारा ले गई है, बैग में है, ये दो पोलिथीन भरी हुई हैं, ये रखा, तो इनकी अनबॉक्सिंग करूँगी मैं थोड़ी देर बाद में। अभी इतनी गर्मी में आए हैं तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, रिलैक्स होके फिर बाद में दिखाऊंगी शाम के टाइम क्या लेके आई हूँ मैं अपने लिए। थोड़ा सा लेके आई हूँ कुछ और कुछ, और अभी तो बहुत अभी है टाइम, वो बाद में लेके आऊँगी, वो भी दिखा दूँगी आपको। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम उठ चुके हूँ मैं और मैंने बनाई है अभी चाय और चाय पी लेते हैं अभी, और बुरनों को मैं चाय नहीं दूंगी। और अभी थोड़ी देर में ये दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई थी सामान।
पहले हमें चाय पी लेते हैं और फिर करेंगे इस सारे सामान की अनबॉक्सिंग। और साथ में किया वालों ने भी एक गिफ्ट पैक दिया है, वो भी देखेंगे क्या क्या गिफ्ट पैक था। व्यास शोरूम में गए थे, मतलब सर्विस करवाने के लिए, सर्विस करवाने के लिए गए थे प्रदीप और इसके पापा। और अभी इन्होंने दिया है एक गिफ्ट, वो भी दिखाएं क्या गिफ्ट है इसमें, क्या क्या है किया वालों की तरफ से। तो मैं पी लेती हूँ पर चाय, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो किया वालों ने ये दिया था कल प्रदीप को, ये बॉक्स इसमें है क्या पता नहीं, देखिए वो खोल के। हाँ हाँ, भी खोलेगा, इसको भी खोल के देखना है। सर आपका गिफ्ट पेंडिंग है, नहीं बोल रहे थे उस दिन? वही तो भी है। क्या क्या हुआ सर? पैकिंग के अंदर कौन सा सामान है इसमें? एक ये ग्रीटिंग कार्ड दे रखा, थैंक यू। पता नहीं कुछ जैसे ये द्वारा छिपा रखे इसमें। ओ डैम, ये गिफ्ट है भाई, की चैन वगैरह मिलती हूँ मैं सोच रही थी। अरे वाह, ओह वाह, बहुत अच्छा है, मग है कि आपकी तरफ से अच्छे हैं, अच्छे हैं, कॉफी मग टाइप के हैं, ब्लैक वाले दिन हो, ये छोटे हैं वो बड़े हैं, दोनों बैठ, दो बड़े हैं दो छोटे हैं, ये वाले बड़े हैं थोड़े से निकाल के देख, चारों कप एक साइड रख, दो अच्छा, दो बड़े हैं दो छोटे हैं, दो छोटे वही तो बोल रही हूं, दो काले वाले बड़े हैं जैसे, ना ना हां दो काले वाले बड़े हैं, दो काले वाले छोटे, दो दो एक वाइट और ब्लैक हैं, दो वाइट और ब्लैक छोटे छोटे हैं, दो बड़े। मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके ले गई हूं और इसमें आया है नवरात्रि का सामान, देखो नवरात्रि का सामान आया है इसमें, ज्यादातर क्या है, चिप्स और चिप्स, और ये हाथ में लेके खड़ी है विदेश, चिप्स और एक दो अंदर रखा है चिप्स, मतलब नवरात्रे शुरू नहीं हुए हैं अभी, अभी जैसे चिप्स आने शुरू हो गए, ये ज़्यादातर अपना सामान ले गई है मनीषा, बाकी तो घर का ही सामान है थोड़ा बहुत, नवरात्रे का सामान है, नवरात्रे अभी शुरू हुए नहीं है, होने वाले हम पहले ले लिया ये सामान, तो ये तो सारा नवरात्रे का सामान है। ये कुछ जैसे लाइटिंग की प्रॉपर लाइटिंग नहीं है यहाँ पे, उसके लिए कुछ ऑलरेडी थोड़ी सी, और इसमें है ये देख, ये है बेडशीट, कलर सेम है ना, डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये है दो बेडशीट इस टाइप की, दोनों कलर सेम है, थोड़ा सा डिजाइन का फर्क है बाकी सेम है। इनको अगर देखते हैं साइड में, और अब वो है जो मैं लेने के लिए ली थी मेन, ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, ले आई हूँ फिर भी ना पसंद करते करते भी मैं दो ले आई, एक तो ये कॉटन का, सलवार ये कंट्रास्ट में दुपट्टा है सही अलग कलर का, ये सलवार है, और एक लेके आई हूँ साड़ी, साड़ी वैसे उन्होंने रख ली वहीं पे तैयार करने के लिए, वो आएगी कल नहीं तो परसों, उसका है ये साड़ी है रेड कलर की, ये देखा किस टाइप की बनारसी साड़ी, पहली बार मैं बनारसी साड़ी लेके आई हूँ, वो उस दिन वो उसी दिन दिखाऊंगी जिस दिन हमारी एनिवर्सरी है उस दिन, तब तक ये ब्लाउज तैयार रहेगा इसका, ये पूरी साड़ी ये रेड कलर की है और इसका ये कंट्रास्ट में है, कौन सा बोल रहे थे ब्लाउज ब्लाउज नहीं कुछ नाम बोल रहे थे,
ये उसका ब्लाउज है, पता नहीं कौन सी चीज किस चीज का। अरे ये उसका उसका ही है। ना 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 कांजीवरम। हाँ कांजीवरम। फोन भी को करवा के कल छुट्टी है वैसे उनकी, पता नहीं किस चीज की बोल रही थी, भाई कल छुट्टी है तो इसलिए ये चीज ले गई मैं मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए लेके आई हूँ कुर्ता पजामा, वो टेलर के पास डाल के आ गई सिलने के लिए, तो वो भी अभी जब तक हमें चाहिएगा उससे एक दिन पहले मिल जाएगा। तो ये है कि मेरी थोड़ी सी शॉपिंग होगी ना लाइट अच्छी, तो ये है मेरी थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग। अभी मैं इनको तैयार कर लूँगी सूट को भी और ब्लाउज को भी, और साड़ी उसी दिन पता चलेगा मेरी है रेड कलर की, पर है इतनी मस्त सी, फर्स्ट टाइम मैं ये बनारसी साड़ी ले रही हूँ और फर्स्ट टाइम ही डालूंगी बनारसी साड़ी, आज तक मैंने नहीं पहनी है, देखिए कैसी लगती है मेरी बनारसी साड़ी, मस्त है एकदम। चलिए फिर अभी मैं इस जो भी ये रायता फैलाया है इसको मैं साफ कर दे रही हूँ और फिर मिलती थोड़ी देर बाद। नो बुनो ले ट्रीट बुनो ट्रीट बुनो ट्रीट बुनो ये मनीषा का ये मेरा, मैं तीनों खा लूं मैं समोसे सारे। लाल अरे लालू अरे लालू ओए भाई रालू राल आ रही है, अभी तो खाना भी शुरू नहीं किया है, अभी तक खाना भी शुरू नहीं किया, राल संभाल वो रालू से अपने राल। बुनो मम्मी से पूछ क्या बनाया आज। बुनो मनीषा को थप्पड़ लगा दे बेटा, हरी मिर्ची खा, गंदे बच्चे हरी मिर्ची गिर गई मिर्ची, कुछ भी दे दो कैसे लगा टेस्ट। जी 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 मिर्ची है ना ना, मिर्ची नहीं खाना अच्छा बच्चा नहीं होगा, अभी खाना खाएगा थोड़ी देर में। आज खाने में क्या है आज बनाई है, वो बोलते ना भिंडी दो प्याजा या फिर आलू दो प्याजा, आज मैंने बनाए है आलू दो भिंडी। भिंडी थोड़ी थी इसलिए आलू फ्राई करके डाल दिए, बन गई हमारी टेस्टी सी सब्जी। अब ये सब्जी तो हो चुकी थी, मैं रोटी बना ले रही हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में खाना मतलब बना लेती हूँ जब तक। बुनो मम्मी गो गो बुनो मम्मी गो बुनो गो, बना के देख ले पता चल जाएगा। अरे एक तो है ना माओ नहीं है ना, माओ के बिना मजा ही नहीं आ रहा कुछ भी, नहीं तो देख मैं रोटी बनाती ना ऊपर खड़ी हो जाया करती इस साइड, अरे बुनो उसके पीछे पीछे, अरे बुनो में मजा नहीं आ रहे, ये सुस्त मतलब एक आध बार जैसे बात करें ना तो एक्टिव होगा, नहीं तो बिल्कुल सुस्त पड़ा रहा है, और उसके साथ तो पूरा दिन वो आ गया ये पीछे पीछे, और नहीं तो दोनों पास में बैठ जाया करते ना तो थप्पड़ मारे जाया करती, अरे ये आराम से बस बैठा रहा करता, अरे अब माओ नहीं है ना तो, नहीं तो बस ये बार बार ये याद आ रही जिस तरह माओ खड़ी हो गए माओ माओ मतलब रोटी दे दो, चाहे उसने खाना नहीं होता तब भी माओ के बिना ना पूरा माहौल सा चेंज हो गया, इतनी वो नहीं है खुशी उसे नहीं मिल रही। माओ भी यार तो पापा बोल भी रहे थे, बोले हमारे जो ड्यूटी पे जा रहे ना वहाँ बिल्ली एक बड़े बड़े बच्चे हो गए, आपके बार बोला छोटे बच्चे होंगे तब लेके आऊँगा एक माओ छोटी सी, और फिर तो पापा आ गए शायद, चलो खाना खा ले मैं अब डाल रही हूँ और फिर खाना खा लेते सारे मिल के, फिर तो पापा भी आ गए, चलो सब्जी मतलब अब हमारा खाना हो चुका तैयार, ये है आलू दो भिंडी, ये है आलू गोभी, ये है अचार और रोटी,
तो चलिए अभी खाना का खाना और मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, फिर बाकी का काम भी करना है। अभी सारे मिलके खाना खा लेते हैं, इसके पापा भी आने वाले हैं, आए नहीं हैं अभी। मैं तो सोची थोड़ी देर पहले आवाज आएगी आ गए होंगे, फिर आए नहीं है। और देखिए देख बुनो बुनो, बुनो का भी टाइम हो चुका है खाने का।